योगी जी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं ये सब मानते हैं, पर क्या अकेले आप देश बदल पाएंगे? देखिए, मैं मेहनत करता हूं ये बात आपने कही, मैं समझता हूं देश में इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं ये मुद्दा ही नहीं है, अगर न करता तो मुद्दा है। सवा सौ करोड़ देशवासियों ने मुझे क्यों यहां बिठाया है? न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई वंशवाद है कि मेरे पिताजी कुछ थे, मेरे दादा कुछ थे, मेरा नाना कुछ थे, मेरी ना कुछ नहीं है जी। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। मेरे पास पूंजी है प्रामाणिकता, मेरे पास पूंजी है मेरे 125 करोड़ देशवासियों का प्यार। और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। मुझ में वो सारी कमियां हैं जो एक सामान्य मानवी में होती है। कि 16 घंटे तो काम नहीं करते सामान्य, कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो, आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। और हकीकत है, मैं किस जगह पे बैठा हूं वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं वही हूं जो आप हैं, आपसे मैं अलग नहीं हूं। मेरे भीतर एक विद्यार्थी है और मैं मेरे शिक्षकों का बहुत आभारी हूं कि बचपन में मुझे उन्होंने ये रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया। और मुझे जो दायित्व तो मिलता है उसको मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होगी। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों का कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे गुजरात में काम करने का मौका मिला। अब 4 साल होने आए हैं प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का काम मुझे मिल गया है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, मैंने देश को वादा किया है। अब सवाल यह है, मैंने कभी नहीं सोचा है कि देश मैं बदल दूंगा, ये कभी नहीं सोचा है, लेकिन मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन सॉल्यूशंस भी है। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा है। और मैंने अनुभव किया है कि कोई कल्पना कर सकता है, नोटबंदी आप अगर टीवी खोल करके देखोगे तो नोटबंदी मतलब मुझे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मिले थे तो वो कह रहे थे, मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, बोले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे
कि मेरा दोस्त गया। मेरा क्या क्यों क्या हुआ? अरे बोले यार तुमने जब नोटबंदी की तो, क्योंकि वेनेजुएला में उसी समय चल रहा था, उनके पड़ोसी हैं लोग तो उनको पता था, तो बोले मेरी पत्नी और हम दोनों चर्चा करते थे, मेरा दोस्त गया, 86% करेंसी कारोबारी व्यवस्था से बाहर हो जाए, टीवी के पर्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ धुआंधार आक्रमण हो, लेकिन ये देशवासियों प्रति मेरा भरोसा था जी कि देश, मेरा देश ईमानदारी के लिए जूझ रहा है, मेरा सामान्य देश का नागरिक ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने को तैयार है, करने को तैयार है। अगर ये मेरे देश की ताकत है तो मुझे उस ताकत के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी परिणाम आप देखते हैं, मोदी तो निमित्त है, और एक्चुअली मोदी की जरूरत है। जरूरत क्या है? किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा कचरा फेंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी है तो देंगे किसको? तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों पर कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, कोई गालियां नहीं पड़ दे रहा है। मैं अकेला हूं, लेता रहता हूं, झेलता रहता हूं, और मैं आपकी तरह कवि तो नहीं हूं, लेकिन हर युग में कोई ना कोई कुछ तो लिखते ही रहते हैं, आप में से सबने लिखा होगा, लेकिन हम सब कवि नहीं बन सकते, वो तो प्रश्न नहीं बन सकते हैं। लेकिन मैंने कभी लिखा था जी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार करके आया हूं, तो मेरी जिंदगी में ये सब झेलना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि हम ठोकरें खाते खाते आए हैं जी, बहुत प्रकार की परेशानियों से निकल के आए हैं। तो मैंने लिखा था कि जो लोग मुझे पूरी कविता के शब्द आज याद नहीं, लेकिन किसी को रुचि होगी तो मेरी एक किताब है, जरूर आप देख लेंगे। मैंने उसमें लिखा था, जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं, और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। और इसलिए मेरा कंसेप्ट रहा है टीम इंडिया, सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, राज्य सरकार है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मैंने कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। मैंने अभी देश के 115 डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, मैं उनको प्रेरणा जगा रहा हूं कि आप अपने स्टेट के जो एवरेज हैं वहां तक आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उनको उत्साह बढ़ा रहा हूं और वो कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि टॉयलेट का लक्ष्य करता हूं पूरा हो जाता है, 18,000 गांव में बिजली, कोई मोदी खंभा डालने गया था क्या? खंभा डालने के लिए मेरे देशवासी गए थे, बिजली पहुंचाने वाले मेरे देशवासी गए थे, और इसलिए महात्मा गांधी की वो बात जिसने मुझे जीवन में एक मंत्र के रूप में लिया है कि आजादी के लिए दीवाने बहुत थे, आजादी के लिए मरने वाले लोग भी बहुत थे, और उनकी त्याग तपस्या को कोई कम नहीं आंक सकता है, उनकी शहादत को कोई कम नहीं आंक सकता है, लेकिन गांधी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया, मैं विकास को जन आंदोलन बना रहा हूं, मोदी अकेला कुछ नहीं करेगा, और मोदी ने कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन देश सब कुछ करें, और मोदी में और सरकारें, कभी कभी तो मैं कहता था जब मैं गुजरात में था तो एक बात करता था, मैंने कहा हमारा देश ऐसा है कि सरकार रुकावट बनना बंद कर देना तो भी देश बहुत आगे बढ़ जाता है। उन मूलभूत विचारों से मैं चलने वाला इंसान हूं,